जिसने लोग शायद अन्ना भाव साठे जैसे व्यक्तित्व को पैदा किया, बटकाम की धरती को, महाराष्ट्र की धरती को नमन करता हूं। और मंच में उपस्थित जो तमाम गणमान्य हैं, आप तमाम लोगों को और अन्ना भाव साठे को याद करने के लिए उपस्थित आप तमाम नागरिकों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। अभी आपके बीच अलग अलग वक्ताओं ने आकर अन्ना भाऊ साठे के बारे में बताया है और मैं बाहर से आया हूं, आप सब लोग इसी धरती के लोग हैं, आप हमसे ज्यादा अन्ना भाऊ साठे को जानते हैं, तो मेरा इस पे कोई क्लेम नहीं बनता है कि मैं आपको अन्ना भाऊ साठे के बारे में ज्यादा बताऊं। लेकिन अन्ना भाऊ साठे जो सपना देखते थे इस देश को लेकर, उन्होंने जो बातें कही और उनको जिंदगी में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके संदर्भ में हम लोगों को एक संवाद करने की जरूरत है, क्योंकि अन्ना भाऊ साठे ने जिस लड़ाई को शुरू की थी वो लड़ाई को सपना आज खतरे में है। सबसे पहली बात, आप तमाम लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि आज सरकार भी अन्ना भाऊ साठे की जयंती मना रही है और अलग अलग जगह महाराष्ट्र के कोने कोने में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अन्ना भाऊ साठे की पहली मूर्ति, पहला स्टेचू हिंदुस्तान या महाराष्ट्र में नहीं बना था, अन्ना भाऊ साठे की पहली स्टेचू रशिया में बनाई गई। खुशी की बात है कि विदेश के लोगों ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको पहचाना, लेकिन हमारा समाज कितना जातिवादी है कि शोषित पीड़ित वंचित तबके से आने वाला व्यक्ति जब अपनी प्रतिभा को दिखाता है तो उसके प्रतिभा को पहचाना नहीं जाता है, उसको सम्मान नहीं किया जाता है। लेकिन उस बात में इतना दम था, उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि जातिवादी बादल उस सितारे को आसमान में चमकने से रोक नहीं पाया। इसीलिए आज जब हम अन्ना भाऊ साठे को याद कर रहे हैं तो कुछ चीजों को स्पष्ट तरीके से हमको समझने की जरूरत है। माला मराठी एक नहीं, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया कि सचिन साहब ने क्या कहा, लेकिन एक मोटी मोटी बात जो मैं पकड़ पा रहा था वो ये था कि समाज के जो बिखरे हुए लोग हैं और सरकार की जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए एक सरकारी कार्यक्रम माननीय आमदार हसन जी मुस्लिम साहेब एक सरकारी कार्यक्रम रखा है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये कार्यक्रम नहीं रखा जाता तो सरकार को भी अन्ना भाऊ साठे की याद नहीं आती। अपना अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाए तो सत्ता पक्ष कोई काम नहीं करेगा, इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को निभाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि वो आज आएंगे, वो कल भी नहीं आए थे और वो आगे भी नहीं आएंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, इस देश के निर्माण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, संविधान की सत्ता को स्थापित करने के लिए आप कल भी आ रहे थे, आज भी आए हैं और आगे भी आते रहिए और उस आवाज को, उस विचार को बुलंद करते रहिए। आपकी भूमिका है, कुछ कार्यक्रम महज कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए, उनके जो विचार है उन विचारों को जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जब गांधी का हत्यारा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ा रहा हो, जब सामाजिक न्याय की हत्या करने वाला जातिवादी अपने आप को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्ना भाऊ साठे का सिपाही बता रहा हो, ऐसे दौर में मूर्तियों पर फूल चढ़ाने और जयंती के कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। इसीलिए
आग्रह है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता यहां मौजूद हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस राजनीतिक परिस्थिति में आज हम लोग खड़े हैं, उस राजनीतिक परिस्थिति में कुछ कार्यक्रम भर कर देने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को, जिस विचारधारा पे हम चलते हैं, हम जिनकी जयंती मनाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उनकी विचारधारा को पढ़ाना, समझाना, बताना बहुत जरूरी है, और कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेवारी है कि उस विचारधारा को लेकर वो जन जन तक जाएं, तभी जाकर के इस देश के लोगों को पता चलेगा कि गांधी और गोलशर में क्या फर्क था, तभी जाकर के लोगों को यह पता चलेगा कि कहां डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्ना भाव साठे की एकता बनती थी। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो मैं आपको एक बात के लिए आगाह करना चाहता हूं, आने वाले समय में ये जातिवादी लोग अन्ना भाव साठे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कुश्ती करवा देंगे महाराष्ट्र के अंदर। इस बात को आप याद रखिएगा, देखते ही देखते आपको पता नहीं चलेगा कि कब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महार हो गए और कब अन्ना भाव साठे मातंग हो गए, और यह बात आप समझ नहीं पाएंगे कि जिन लोगों ने समाज में जाति का उन्मूलन करके समतामूलक समाज बनाने की बात की थी, आज उनको किस तरीके से जातिवादी साबित किया जा रहा है, इस चुनौती को आपको समझना पड़ेगा। ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि इतिहास के पन्नों को पलट दिया जाए, ताकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। और एक बात और याद रखिएगा कि हो सकता है कि अन्ना भाव साठे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जब चीजों को आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको हो सकता है कि जब आप महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं पर अंतर विरोध नजर आए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन्होंने सुविधा की जिंदगी को नहीं चुना था, इन्होंने देश को प्रथम माना था और देश में जो शोषण और गरीबी है उसको खत्म करने की अपनी जिंदगी दी थी। इसीलिए आज हमारे लिए जितना जरूरी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उतना ही जरूरी अन्ना भाव साठे भी हैं, और जितना जरूरी अन्ना भाव साठे हैं उतना ही जरूरी इस देश में आज गांधी भी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए और इस बात को मैं जोर देकर के बोल रहा हूँ। मेरा संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है, आप सब लोग जानते हैं कि अन्ना भाव साठे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। अन्ना भाव साठे जब 47 में देश आजाद हुआ था तो इस विचार के समर्थक थे कि यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, लेकिन आज अगर अन्ना भाव साठे होते तो आज भी आप तमाम लोगों के साथ बैठ करके समाज में समतामूलक व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे होते, और आज की यह सरकार उनको भी देशद्रोही कह रहा होता, उनको भी आतंकवादी साबित कर रहा होता। इसीलिए आज हमको आपस में लड़ने की नहीं, जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि देश को बर्बाद करने वाली शक्तियां सरकार में काबिज है। इसलिए मेरा आपसे एक आखिरी अपील है, वो ये है कि समाज में जो ऊंच नीच को सही साबित करने वाली शक्तियां हैं वो आज सत्ता पर काबिज हो गई है, और लोगों को भ्रम में डालने के लिए ऊंच नीच को समाप्त करने वाले जो लोग रहे हैं उनकी मूर्तियों पे माला चढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा, गांधी जी की 150वीं जयंती होने वाली है और गांधी की हत्या करने वाले और घोषणा की पूजा करने वाले घूम घूम कर गांधी जयंती आपको मनाते हुए नजर आएंगे। ये उनकी कामयाबी नहीं है, ये हमारी विफलता है कि हमने अपने महापुरुषों की, महामानवों की, जिनके राह पे हमको चलना चाहिए, उस राह पे हमने चलना बंद कर दिया था। इसीलिए आज अगर हम अन्ना भाव साठे को याद कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा संकल्प ये होना चाहिए कि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अन्ना भाव साठे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सावित्री बाई फुले, बिरसा मुंडा के सपनों का भारत बनाएंगे, संविधान की रक्षा करते हुए लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और स्थापित करेंगे। यही डॉक्टर अन्ना भाव साठे को, यही अन्ना भाव साठे को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमारी श्रद्धांजलि होगी। यही हमारा उनके प्रति अपनी अपनी एकता को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा माध्यम होगा, वरना रस्म अदायगी पर लोग तमाम चीजों की करते आते हैं। हमें अन्ना भाव साठे के विचारों को, उनके उनकी उनके कृतित्व को, उनकी रचना को
सिर्फ रसमलाई ही नहीं बनाना है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए अपनी योग्यता, अपनी एकता, तमाम चीजों को करना पड़ेगा। इसलिए आखिरी बात बोलते हुए कि वो तमाम कोशिश करेंगे कि आपको भ्रम में डाल दें, वो तमाम कोशिश करेंगे कि आपको भ्रम में डाल दें। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप सामाजिक न्याय के रास्ते से हटे नहीं, डिगे रहें, चलते रहें बेहतर भारत के निर्माण के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।